मैं फातिमा जना यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती हूँ और हमारा बैकग्राउंड हॉस्टल लाइफ से, हम यहाँ पे नहीं रहते, वी आर फ्रॉम चकवाल और हॉस्टल लाइफ से यहाँ पे रहते हैं। फातिमा जना मुंबई यूनिवर्सिटी में क्रिकेट के साथ मतलब मुझे बचपन से लगाव नहीं था, मुझे लाइक यूनिवर्सिटी में आके ही क्रिकेट के साथ थोड़ा बहुत लगाव हुआ है और इतना ज़्यादा हो गया कि मैं दिन में 18-18 घंटे भी लाइक क्रिकेट खेलती थी। और फिर उसके बाद देखना और शौक बढ़ गया, फिर सबके साथ मिलके देखना और बहुत ज़्यादा जब ये PSL वगैरह होते हैं तब भी बहुत ज़्यादा, अभी रिसेंट मैच हुआ उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, लोग मिलके जब देखते हैं तो ऑब्वियसली एक और ही माहौल बन जाता है। और जब हमें पता चला था कि कैंप लग रहा है या कुछ चल रहे हैं ट्रायल्स, तो एक्साइटमेंट हुई थी कि ऑब्वियसली कोई मौका मिलेगा। इससे पहले हमारा सिर्फ यूनिवर्सिटी के अंदर ही कुछ थोड़ा बहुत होता था, वरना कुछ भी नहीं है। और बाकी जब थोड़ा सा गाइड करके यूनिवर्सिटी वालों ने भी लेके आए, यहाँ पे कुछ किया, हमने भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की, थोड़ी एफर्ट्स डाली हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आगे बनेंगे निकलेंगे। और बस यहाँ पे कैंप लगा जलमी का, बचपन से पेशावर जलमी को सपोर्ट कर रहे हैं हम, जब पेशावर जलमी के कैंप में आए तो थोड़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। जो अभी वर्ल्ड कप भी हो रहा था, वर्ल्ड कप में भी हमने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया है। पाकिस्तान की मेरी फेवरेट निद्याना बेग बॉलर, मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं, मैं मिली हुई भी हूँ एक दफ़ा, लेकिन सही से नहीं, लेकिन बहुत अच्छी लगती हैं। उसके बाद निदा डार और बाकी बाबर आजम, ऑब्वियसली वहाँ से ऑब्वियसली बाबर आजम तो एपिक है। गर्ल्स क्रिकेट कैंप ऑर्गेनाइज्ड बाय जलमी फाउंडेशन, ये हमें बहुत ज़्यादा ही मोटिवेटिंग लगा है। और इसमें आगे जब हमने अपने आप को फर्दर देखा है, हमने आगे खेला है इसके अंदर, और इसके अंदर खेल के हमने अपनी फ्यूचर देखा है कहीं किसी हद तक, और हमें बहुत अच्छा लगा है। इसके अंदर हम लोग मजीद आगे भी कोशिश करेंगे, और ये हर साल पिछली दफ़ा भी आया था तो हमने इसमें सब किया था, हमने पार्टिसिपेट, और इस दफ़ा भी हमने पार्टिसिपेट किया, इंशाल्लाह आगे निकलेंगे। और फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर भी हम देखते हैं, घर वाले भी सपोर्ट करते हैं, कोई मसला नहीं है, और ऑथेंटिक तरीके से अगर आगे जाएँ तो कोई नहीं रोकता, जाना चाहिए, सबको खेलना चाहिए।